दोस्तों फिलहाल उठ के अब इधर चाय बनाने की तैयारी, यहाँ पर चूल्हा लगाई है, अब आग जलाते हैं, चाय बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको नहा धो के पूजा करने के बाद। साथ में बैग निकाल दिए, बाहर तैयारी हो रही है, अंदर सफाई कर रहा है भाई, तो मिलते हैं जल्दी। दोस्तों फिलहाल चाय बन गई है, गुड़ मिला हमें, चाय पत्ती मिल गई थी तो लाल चाय बना लिए, चाय पीते हैं और जाते हैं। फिर दाजी उधर बैठ रहे हो, इधर को शक्ल तो दिखा दो दाजी। आग इधर ही जला रही है दाजी के बगल पर, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में चाय पीने के बाद, थोड़ी देर सफाई वफाई करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों कल रात हम यहाँ पर रुके थे, ये बाबा जी का है, यहाँ पर है नहीं अभी कोई नहीं, और हम लोग इधर सोए थे यहाँ पे, तो बाकी लकड़ी वकड़ी इधर भी, हाँ ठीक है, इधर सब बाबा जी का सामान है, हम लोग कुछ छेड़ नहीं रखा है। और आप ना यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आप लोगों को सब यहाँ पर चावल आटा इस रूप में सब मिल जाता है, क्योंकि जो भी यहाँ पर भक्तजन आते हैं सब हर कोई लेके आता है एक खिचड़ी के रूप में जो बाबा जी को देनी होती है। तो ये दाल वाल, मांस की दाल, तेल, इसमें तेल है और ऐसी इसके अंदर भी पूरा भरा हुआ है आटा चावल दाल से। तो अगर कोई आना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी भगवान की कृपा से इधर सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कल रात हम दोनों अकेले थे इसलिए थोड़ा डर लग रहा था, इतना डर नहीं मतलब थोड़ा बहुत, एक तो घर वाले ने डरा दिया था। तुम्हारे दोस्तों फिलहाल अब चलते हैं, साफ सफाई करने के बाद अब चलते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, और पूजा करते हैं उसके बाद मिलते हैं आपको जल्दी ही। हर हर महादेव। ये चिड़िया है दोस्तों, फिलहाल पूजा कर ली है, पहला मंदिर यहाँ पर गेट के ठीक सामने, ये गेट है, पहला मंदिर ये पड़ता है, उसके बाद ये और मेन मंदिर ही है, मेन मंदिर ही रहा ब्रह्मश्री महादेव का, और इसके बाद यहाँ पे एक मंदिर है राधे कृष्ण जी का, जय हो भगवान, कृष्ण जी का यहाँ पे भी है, और अंदर रमत बलबीरा का मूर्ति अंदर भी है, चारों तरफ घंटियाँ लगी हुई हैं, पहले यहाँ पे एक धुनी का है, उसके बाद इधर पे एक मंदिर और है जहाँ पे माँ सरस्वती और गणपति बाबा हैं, जय हो भगवान। तो यहाँ पर 5-6 मंदिर ही हैं, बाकी मैंने कल आपको कल की वीडियो में दिखा दिया था चारों तरफ घंटे, और जिस व्यू की मैं बात कर रहा था वो व्यू भी आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा आप लोग कितना सुंदर यहाँ से व्यू आ रहा है, सुनसान सी जगह पर एकदम ऊपर टॉप में मंदिर है, चारों तरफ बिल्कुल खाई जंगल, नीचे को आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी खाई है, ये मंदिर है और इसके जस्ट नीचे खाई है, बाकी पूरा ब्रांस का जंगल है यहाँ पर, जितने दिख रहा है ना रेड रेड से सब ब्रांस पूरा हुआ है। तो और इधर बहुत सारे गांव हैं, कुछ श्रद्धालु वहाँ से भी आ रहे हैं अभी सुबह सुबह, और हम तो कल आते यहीं पर थे तो सुबह टाइम से उठ गए थे, बाकी इधर भी गांव है, इधर भी गांव है, इधर भी बहुत सारे गांव है, और मुझे ऐसा लगता है, अंदाजा तो न्यारा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमको इधर को ही जाना है, ये वाले गांव को पीछे को इधर से घूम के फिर जाना है। तो आप यहाँ से निकलते हैं घर की ओर और आगे रास्ते का सफ़र आपको दिखाते हैं, मेरे को तो उधर ही लग रहा है यार, हो सकता है इधर ही होगा, इसका पीछे का व्यू किसी इस तरीके का है, ब्रांस बिल्कुल बहुत ज़्यादा है इधर मात्रा में, उधर जो देख रहे हैं ना पेड़ वाले सारे देवदार के पेड़ हैं, ये वाले देवदार भी बहुत ज़्यादा है इधर, और बाकी पेड़ों का नाम तो मेरे को भी पता नहीं है यार, ये तो कुछ कुछ पेड़ों का नाम पता है, ब्रांस है, ब्रांस बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं घर की ओर, क्योंकि घर से बहुत सारी कॉल आती है, तो यह है देवदार का पेड़, और यहाँ पर ना ये बहुत पुराने ज़माने का, पता नहीं अंग्रेजों के टाइम का कुछ है, जैसे मूवी में नहीं दिखाते हैं वो बॉर्डर पर, वो तो उसी टाइप का कुछ है के ऊपर, हाँ
क्या होता है? हाँ, तो फिलहाल मैं इसी में चढ़ रहा हूँ ऊपर, यहाँ जाके फिर यहाँ का व्यू दिखाता हूँ आपको। और ऊपर का व्यू की जिस तरीके का है, पीछे बहुत सारे गांव दिख रहे हैं, अभी धुंध की वजह से इतना क्लियर दिख नहीं पा रहा है, इसलिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। और इधर भी बहुत सारे गांव है पीछे को, मतलब ये जगह ना टॉप पे, एकदम सारे इलाकों से टॉप पे है इधर से। टॉप के क्यूब है, टावर जैसा है। और वो देख सकते हैं इतना जूम आउट करने में। और इधर का जंगल देखो, पूरा देवदार का है भाई। इधर ये इक्के दुक्के पेड़ दिख रहे हैं, इधर ये उसके बांस के बस, बाकी पूरा देवदार का जंगल है इधर। और बाकी तो अलग अलग बहुत पेड़ दिख रहे हैं, मेरे को नाम भी नहीं पता, जैसे इस पेड़ का नाम पता नहीं है, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है। ऐसे बहुत सारे पेड़ है जिसका मेरे को नाम पता नहीं है, लेकिन बहुत मस्त जगह है यार, बहुत ठंडी जगह है। और जिसमें हम चढ़े हैं वह है उन्हीं से आ रखे, वहाँ से सीढ़ियों के रास्ते उधर को, तो चलते हैं हम नीचे को। तो सब फिलहाल यहाँ से निकल चुके हैं घर की ओर। तुम कहाँ को जाना है? नैनीताल को जा रहा है। नैनीताल को? चलो, हाँ तो अभी यहाँ से नैनीताल को जाएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे रामनगर को। फिर रामनगर। ठीक है, एक बार मंदिर को और निहाल लो। जय हो ब्रह्मस्थली महादेव। यहाँ से और तगड़ा दिख रहा भाई, इधर आओ मंदिर, पीछे बादल अब आ रहे धीरे धीरे, व्यू अब बनेगा इधर का सही, जब हम जा रहे हैं ना इधर से। अब टाइम हो गया 9:30। 9:30 का टाइम हो गया है, और ये जो सामने दिख रहा ना है ना, ये वाला, इसमें पहले घूमा करते थे हम, अभी तो इसमें सरिया लगा दिया है, लेकिन इस पर चढ़ के इस पर लटक के घूमते थे पहले से हम। इधर के बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है, इधर कौन सा गांव है, क्या है, कुछ पता नहीं मेरे को। हाँ, लेकिन मेरा मेरे को तो सबसे अच्छा लगता है इधर का मंदिर से नीचे का व्यू पूरा क्लीन। हाँ, तो फाइनली रोड पर पहुँच गए हैं और गाड़ी भी सुरक्षित है, और अब चलते हैं यहाँ से पंगुट की ओर, वहाँ से फिर देखते हैं नैनीताल को या कहाँ को जाते हैं। अब नए रही वीडियो हमारे साथ। तो सब फिलहाल पहुँच चुके हैं घुघु सिगड़ी पे, यहाँ से पंगुट है 4 किलोमीटर, तो पंगुट को जाते हैं यहाँ से, फिर पंगुट पर मिलते हैं आपसे। ये वाला हुए पंगुट को गया, और ये इधर नीचे बाघनी को। दोस्तों फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ पंगुट पे, और इधर ठंड बहुत थी, तो उसने कुछ जैकेट वैकेट पहन किया था, चश्मा भी पहना था, गाड़ी में चला था। पीछे का व्यू आप देख सकते हैं पंगुट का, कितना शानदार आ रहा है इधर। और इधर पर ना एक बोर्ड लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बोर्ड है, इसको डाल दो, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, चेतावनी ये रखिए। और ये रोड गई है नैनीताल को, जो 15 किलोमीटर आगे है, तो अभी फिलहाल 15 किलोमीटर आगे चलते हैं, और उसके बाद नैनीताल जाके आप लोगों से मिलते हैं। दोस्तों मैं अभी पंगुट से थोड़ा आगे 3-4 किलोमीटर आगे इसी रोड पर आया था, नैनीताल रोड पर, तो इसमें एक यहाँ पर सामने लिखा हुआ है नैना देवी जलकुंड, तो वो जलकुंड ऊपर भी दिख रहा है, और एक नीचे भी यहाँ पे बना हुआ है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि जंगली जानवर के लिए होगा यहाँ पे। ऊपर है कुंड बाकी का, ये तो खराब पानी है, आगे चल। अच्छा, आगे है, तो आगे देखते हैं फिर कहाँ पे ये। तो ये रहा जलकुंड, और यहाँ पे ना पंगुटा वाले एरिया में बहुत सारी बर्ड्स हैं, तो वाइल्ड लाइफ जो हमें ऊपर बात करते हैं हम ब्रह्मशिला वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पे ये सारी फोटो शूट कर रहे हैं कोई बर्ड्स की, कुछ पेड़ बैठी होगी शायद, कैमरा लाइव तो हम भी देखते हैं। और फिलहाल यहाँ से नैनीताल की ओर चलते हैं, और नैनीताल जाके मिलते हैं। दोस्तों यहीं पर ना नैना देवी जलकुंड के ठीक बीच में बना हुआ है, कि दो सारस है ना, सारस पक्षी है, बाकी नीचे गिद्ध विद्ध भी दिख रहे हैं बहुत सारे, और इधर मुनि भी दिख रहे हैं, इसमें लिखा भी है कुछ पता नहीं, किला नहीं दिख पा रहा है। अंदर जा सकते अगर हैं आप सर, लोगों को फ्री एंट्री देखें है, तो लेकिन जा नहीं रहे। आप लोग देख सकते हैं, खूबसूरत सी जगह है बहुत सारी यहाँ पे, और आगे चल के फिर आपको कुछ नया दिखाते हैं। दोस्तों पंगुट से नैनीताल को आते समय मैं पहली बार आया था इस रोड में अभी, और मुझे भी यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था इतना, कि कहाँ पे क्या है क्या है, लेकिन यहाँ पे मेरे को ना रास्ते में एक सत्यनारायण मंदिर मिला, मैं इस मंदिर में जा रहा हूँ ऊपर, और मंदिर में घूमते हैं चलते हैं। तो मंदिर में घूम के आते हैं, और आपको भी मंदिर के दर्शन कराते हैं। बंद है, ताला लगाए क्या? जय हो तुम्हारी सदाई जय हो। बहुत बढ़िया आज का दिन रह रहा है, सभी जगह दर्शन भी होते जा रहे हैं भगवान के,
बिनु पद चले सुने बिनु का ना कर विन कर मत करे विधि माना हूँ। अच्छे बंदे दोस्तों, मंदिर पर तो ताला लगा हुआ है एक्चुअली, और जय हो भगवान तुम्हारी सदा ही जय हो। यहाँ पे ये है मूर्ति सत्यनारायण मूर्ति। हाँ जी, दिख रहा अंदर वो है। अच्छा, जय हो। तो उसने यहाँ से दर्शन करने के बाद अब चलते हैं नैनीताल को, और देखते हैं अभी रास्ते में तो बहुत लंबा है रास्ता, देखते हैं क्या क्या मिलता है और आप लोगों को भी दिखाते रहते हैं। कल मैं आ चुका हूँ व्यू पॉइंट पे, और यहाँ से शानदार व्यू दिखाता हूँ आपको एक बार फिर। ये देखिए वो व्यू तो बहुत शानदार है, इधर का क्राउड भी काफ़ी है, सभी लोग रुके हैं, लगभग लगभग रुक चुके हैं एक बार फिर से एक शानदार व्यू पॉइंट पे। नीचे बिल्कुल शानदार व्यू दिख रहा है इधर भी, और इधर से ताल भी दिख रहा है नीचे वाला, उसको भी देख लेते हैं। और ये व्यू सबसे शानदार लग रहा है ये वाला एरिया ना, ये फिर इसके बाद नीचे ताल, वैसे व्यू यार बहुत सुंदर। हाँ लग रहा सही सही रास्ता जो हमने आने के लिए, क्योंकि बहुत नए नए तरीके के व्यू नज़र आ रहे हैं, बहुत शानदार शानदार। और आगे चलते हैं फिर और देखते हैं कुछ नया। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं नैनीताल, और यहाँ से जा रहे हैं भी नीचे घूमने के लिए माल रोड को, तो नीचे चलते हैं और नैनीताल की सैर कराते हैं आपको। अभी तो देखने के लिए कुछ ऐसा खास है भी नहीं, कुछ होता है तो आपको भी दिखाते हैं। ताल का व्यू ले लीजिए यहाँ से, शानदार बोटिंग हो रही इधर। ये बोटिंग करने के लिए बोला था लेकिन मेरे को डर लगता है इसलिए मैंने नहीं किया। मैंने ऐसे बोला पहाड़ से तो झेल जाएंगे भाई, पानी से नहीं झेल पाएंगे। और इसमें मच्छी कितनी सारी तैर रही है, तो फिलहाल और आगे को चलते हैं। ये ऊपर पूरी मार्केट है वाली, इधर से लेके उधर पूरी, उधर भी है पूरी, और नीचे काफ़ी और है, तो चलते हैं फिलहाल नीचे को। ये नैना देवी का मंदिर है, तो फिलहाल मंदिर में चलते हैं अंदर और नैना देवी के दर्शन करके आते हैं। सुबह हम आगे चले गए, पता नहीं कहाँ गए। बजरंग बली की इधर का पूरा पार्क टाइप है, इसमें यहाँ पे फूल है, इधर ही फूल है, इधर से पूरा नैनीताल का व्यू आ रहा है पूरा शानदार। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर है माँ नैना देवी की मूर्ति, तो वो फिलहाल चलता है इधर को देख लेते हैं, एक बार दर्शन कर लेते हैं और आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो हमें नीचे और डाल देना, इतना टेढ़ा कर दे रहे हो, डर लग रहा है यार। रोड भी बहुत प्यारी है, रोड भी बहुत प्यारी है, तभी तो और ज्यादा मजा आ रहा है। पता नहीं फेंकने वेंकने वाह, बेल देखो फिर से ठीक है देखिए, कई प्यारी जगह पहुंच गया आज हम कसम से, पूरा घनघोर जंगल पीछे हम दोनों, मजा आ रहा है इसे देख के। दोस्तों फिलहाल फिलहाल नैनीताल से आ गए, और पीछे के भी आप लोग देख सकते हैं। अब फिर रामनगर को जाने के लिए तैयार है, और सोमाई को भी जाड़ा हो गया था, मैंने जैकेट पहन ली है। सोमाई देखना है तेरे को जरा भाई, कह रहा है शक्ल बहुत ख़त्म है, अभी ब्लॉग मत बना बोल। तो चलते हैं अब रामनगर को, और मिलते हैं रामनगर जाके। दोस्तों फाइनली आ गए हम कालाडूंगी पे, और अभी यहाँ से जाना है रामनगर को। रामनगर चले या कोटाबाग को, रामनगर कोटाबाग
तो कोटाबाग को जाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से कोटाबाग को निकलते हैं और कोटाबाग से फिर घर, तो घर जाके मिलेंगे आप, तो यहाँ से गन्ने का जूस पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं सीधे घर जाके। अभी जा रहे हैं हम कोटाबाग को, कालाडू पीछे शानदार रोड से, बहुत शानदार रोड है और यहाँ का पूरा स्टेज बहुत मस्त है। तेरी आवाज़ तो कहीं आ रही होगी, हवा की ज़्यादा आ रही होगी। कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ बंद करके डाल देंगे वीडियो। यहाँ से चल गए भूसा बंद कर दो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मार्टिन मिला हमको, पाइन मार्टिन। अरे भाग्य भाग्य। अभी हमें कोटाबाग से रामपुर वाली रोड पे, और इसी रोड से घर को जाएंगे। बाकी तो वीडियो बनाऊंगा नहीं आगे रोड की। बहुत बुरा हाल है दोस्तों। फिलहाल पहुंच गया हूँ अपने घर, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। बाय बाय।